गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा बीकॉम प्रथम सेमेस्टर वैसे हमारा दूसरा एक साल के की और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा अध्याय है अपकरण की माँ और इसके अंतर्गत आज हम लोगों को जो पढ़नी है माँ वो है सतमक विस्तार। ठीक है, क्या पढ़ना है? सतमक विस्तार। सतमक विस्तार है, ये मैं लिखा बताऊ जो सतमक विस्तार है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं है क्या। ठीक, तो जो सतमक विस्तार है वो 90वें नंबर का सतमक और 10वें नंबर का जो सतमक होता है उसका अंतर कहलाता है सतमक विस्तार। ठीक है, तो उसके हम तीन श्रेणी में गणनाएं पड़ेंगे। ठीक है, सतमक विस्तार, सतमक विस्तार आंशिक विस्तार का एक अन्य माप है। 90वें सतमक तथा 10वें सतमक का अंतर सतमक विस्तार कहलाता है। तो हमें पढ़ना क्या है? सतमक विस्तार। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंटाइल रेंज। क्या बोलेंगे? परसेंटाइल रेंज। ठीक है, तो इस प्रकार सतमक विस्तार क्या है? सतमक जो विस्तार होता है जिसको बोलते हैं पी आर, जो पी आर है वो कहलाता है पी 90 माइनस पी 10। क्या होता है? पी 90 माइनस पी 10 क्या कहलाता है? सतमक विस्तार। एक होता है सतमक विस्तार गुणांक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पी 90 माइनस पी 10 अपॉन पी 90 प्लस पी 10। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है? ये सतमक विस्तार का गुणांक का फॉर्मूला हो गया। अब अपन पढ़ते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में सतमक विस्तार और उसके गुणांक की गणना किस प्रकार करें। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया निम्न समांकों से सतमक विस्तार बा उसके गुणांक की गणना करें। गणना करें यहां ये। ठीक है, जो समांक दिए हुए हैं वो इस प्रकार है। किस प्रकार है वो देखते हैं। जैसे 10 दिया, 30 दिया, 28 दिया, 13 दिया, 14 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 9 दिया, 21 दिया, 27 दिया, 28 दिया, 33 दिया, 43 दिया, 50 दिया, 58 दिया, 60 दिया, 70 दिया। कितने हो गए देखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और। ठीक है, इस प्रकार हमें ये समांक दिए हुए हैं। हमें पता है विभाजन में जो समांक दिए गए हैं इसके लिए हमें सबसे पहले ही समांक माला को लगाना पड़ेगा। आरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में, तो हम आरोही क्रम में लगा लेंगे। तो आरोही क्रम में लगाएंगे सबसे छोटा मूल्य क्या है? 5। क्या है? 5। 5
छह के बाद नौ, तो अपन लिखते हैं पांच छ नौ और दस, ठीक है। चार लिखिए, इनसे ऊपर देखो क्या लिखा, तेरह चौदह, तेरह चौदह, तेरह चौदह, चौदह के बाद अठारह, तो तेरह चौदह लिखते हैं, तेरह चौदह के बाद अठारह उन्नीस, ये भी लिखिए। अठारह उन्नीस के बाद हमें क्या आएगा, बीस, बीस दिया नहीं है, इक्कीस आ जाएगा, इक्कीस के बाद सत्ताईस आ जाएगा, इक्कीस सत्ताईस अट्ठाईस, इक्कीस सत्ताईस अट्ठाईस दो बार हो गया, इक्कीस सत्ताईस अट्ठाईस और अट्ठाईस, अट्ठाईस के बाद उनतीस आएगा, उनतीस है नहीं, उनतीस के बाद तीस आ जाएगा, तीस के बाद ऊपर जो दिए वो आ जाएंगे, जो तीस के बाद तैतीस दिया, देखो तीस तैतीस, तीस तैतीस, तैतीस के बाद क्या आएगा, विक्रम से जो लगे सब लग लो, यही है बस, सब पे टिक लग चुका है, मतलब लग चुके हैं, बस एक ही लिखना चालू करो, तैतालीस, तैतालीस के बाद पचास, पचास के बाद अट्ठावन, और अट्ठावन के बाद साठ, और साठ के बाद सत्तर, एक सब लिख चुके हैं, तैतालीस पचास अट्ठावन साठ सत्तर, गिन लो जो उन्नीस सौ नहीं होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, ठीक है। तो हमने मूल्यों को कैसा लगा दिया है, आरोह क्रम लगा दिया। अब हमें क्या है, जो हमें सतमन विस्तार है उसके लिए पी नाइनटी चाहिए और पी टेन चाहिए, क्या चाहिए, पी नाइनटी और पी टेन। अब गणना करते हैं, पी नाइनटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले पी नाइनटी नंबर, और जो क्या होता है कि श्रेणी में एन प्लस वन अपॉन हंड्रेड गुणा नाइनटी, तो ये कितना हो गया, उन्नीस प्लस एक बटा सौ गुणा नब्बे, तो ये बीस गुणा नब्बे बटा सौ, तो कितना निकल के आ जाएगा, एटीन आइटम। तो जो अपना पी नाइनटी है वो कितना हो जाएगा, अठारह नंबर का, तो अठारह नंबर में क्या दिया, देखो साठ, तो पी नाइनटी कितना हो जाएगा, साठ हो जाएगा। इसी प्रकार पी टेन निकालेंगे, तो उसके लिए पी टेन नंबर निकालना पड़ेगा, और पी टेन नंबर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन हंड्रेड आइटम गुणा टेन, तो क्या हो जाएगा, उन्नीस प्लस एक बटा सौ गुणा दस, तो क्या हो जाएगा, बीस गुणा दस बटा सौ सेकेंड आइटम। तो पी टेन क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का आंसर कितना है, छः, कितना है छः, तो पी टेन हो गया छः, देखो दिन क्या छः, तो पी टेन सेकेंड नंबर का और पी नाइनटीन अठारह नंबर का, ठीक है। तो हमारा निकल के आ गया छः, तो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है वो छः, तो पी टेन हो गया, अठारह नंबर पे जो वैल्यू है साठ हो गया हमारा पी नाइनटी। अब हमें केवल फॉर्मूले लगाने हैं, तो पी आर बराबर पी नाइनटी माइनस पी टेन, ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, तो पी नाइनटी हो गया साठ और पी टेन हो गया छः, तो पी पी आर कितना हो जाएगा, सतमक विस्तार चौवन, और उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ पी आर, तो लिखते हैं पी नाइनटी माइनस पी टेन बटा पी नाइनटी प्लस पी टेन, तो क्या हो जाएगा, साठ माइनस छ साठ प्लस छ, तो चौवन बटा छियासठ सत्ताईस बटा तैतीस, क्या हो जाएगा, सत्ताईस बटा तैतीस, और तैतीस से जो जाएगा कितनी बार जाएगा, आठ बार देखो, आठ तीन चौबीस, आठ तीन चौबीस, चौबीस और तीन सत्ताईस, दो सौ चौहत्तर, ज्यादा होता है तो सात बार जाएगा, सात तीन इक्कीस, सात तीन इक्कीस, दो सौ इकतीस और दो सौ सत्तर, अंदर कितना आ गया, तीन सौ नब्बे हो गया, कितना हो गया,
चौबीस आठ बार आएगा, आठ की चौबीस और आठ की चौबीस छह बचा, छह से हो जाएगा सात और साठ में देगा तो ये हो जाएगा हमारा आठ जीरो दशमलव आठ एक। कितना हो जाएगा? जीरो दशमलव आठ एक। तो स्वतंत्र विस्तार का जो गुणांक आएगा वो आएगा जीरो दशमलव आठ एक। तो इस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी में स्वतंत्र विस्तार और स्वतंत्र विस्तार के गुणांक की गणना हम करते हैं, ठीक है। तो बार बार जो हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीजें आप आगे जो चैप्टर सारे उनमें रिपीट हो रही है, कोई भी नई चीजें नहीं है, केवल नया है फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले याद करने हैं जो पहले पढ़ा चुके हैं उनको अच्छे से समझना है दोबारा वीडियो देखो आप, पर्सनल जो आप खुद पढ़ सकते हो वो पढ़ो, फिर भी नए क्लास में आकर से पूछो, क्योंकि आप यदि मार्ग मत्तिका बहुलक भरात्मक मार्ग गुरुत्तर मार्ग और आपके विभाजन फॉर्मूले में जो आपने पढ़ा है उन्हीं के आधार पर अब जो आगे हमारे चैप्टर है अब करंट की माप है या तय संबंध है सारे चैप्टर पुरानी जो गणनाएं हैं उन पर आधारित है। जैसे कि ये है अब इसमें पूरे जो फॉर्मूले हैं उनमें जो चीजें हैं वो पहले जो हम पढ़ चुके हैं वही गणना करनी है, तो रिविजन भी अपना चल रहा है और नए चैप्टर भी अपने क्या हो रहे हैं कम्प्लीट हो रहे हैं।